आप लोगों को हमने बताया था कि फर्स्ट बैच के डिवाइस को इसी जून मंथ के दौरान से MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलने वाला है, पर दोस्तों आप सभी ने विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों आज फाइनली Xiaomi की तरफ से नॉर्मल यूजर को MIUI 12 का अपडेट देखने को मिल चुका है। और दोस्तों अगर आप पायलट टेस्टर हो या फिर नॉर्मल यूजर हो तो इन दोनों यूजर को ये देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा डिवाइस है आज की वीडियो में आप सभी को फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि हमने आप सभी को बताया था कुछ दिन पहले ही, और हमने हर बार आप सभी को बताया कि इस जून मंथ के दौरान आप सभी को फर्स्ट बैच के जो डिवाइस है उनको अपडेट देखने को मिलेगा, पर आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। और विश्वास होता भी कैसे, क्योंकि Xiaomi जो भी अपडेट प्रोवाइड कर रहा था बस चाइना में ही प्रोवाइड कर रहा था, बीटा टेस्टर में, स्टेबल टेस्टर में, नॉर्मल यूजर में। हमारे इंडिया के लिए कोई अपडेट प्रोवाइड कर ही नहीं रहा था, और हमारे जो इंडियन यूजर हैं उनके मन से भी भरोसा उड़ गया था, उम्मीद उड़ गया था कि हमारे इंडिया में ये अपडेट अब तक देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर बहुत लेट लगेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आने लगे थे। तो फाइनली Xiaomi की तरफ से नॉर्मल यूजर हैं Redmi K20 डिवाइस के लिए MIUI 12 का फाइनली अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है। और दोस्तों आप सभी बता दें कि अगर ये अपडेट अभी तक आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ जाके अपने चेक फॉर अपडेटर ऐप के थ्रू इसे जरूर चेक कर लें, आपको ये अपडेट वहाँ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं कि ये अपडेट में आप सभी को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, और खासकर आप सभी को पता है चाइना में ड्रैगन फेस्टिवल चल रहा है, जो अभी Xiaomi का डेवलपर छुट्टी में है, पर Xiaomi ने ये शेड्यूल पहले से ही तय किया हुआ था कि कौन सा अपडेट कब किसको देखने को मिलने वाला है। तो उसी दौरान उसी शेड्यूल के प्रकार से ही आप सभी को ये अपडेट देखने को मिला है, 28 जून को ही देखने को मिला है, और 29 और 30 जून अभी है। तो देखते हैं इन दोनों दिनों में कौन कौन से डिवाइस को अपडेट देखने को मिलता है, पर देखते हैं आने वाला समय में क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।